अड्डा क्या है ऐसे अड्डा नड्डा जाने कितने आए और कितने गए। टेलर था अभी पिक्चर 24 में शुरू दिखा देंगे। जनता प्रचंड बहुमत से हराती भी है ध्यान रखा वो कर्नाटक। बाकी जनता ने बता दिया कि यो दिल्ली से आया तू कितना ही नाटक कर ले हम नाटक देखेंगे और नाटक वाले का झोला पैक करेंगे और सीधा गुजरात और सीधा दिल्ली भेज देंगे। मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के हटाओ नड्डा लगाओ मोदी बचाओ नड्डा लगाओ लगा दिया। बलि का बकरा अड्डा नड्डा को बताओ 40% का टैग जिसके माथे पर लग रहा हो रिश्वत मांगने का वो अधर्मी तो है। ड्रामा एक बार देखोगे दो बार देखोगे बार बार एक ही ड्रामा नहीं देखता कोई भी। मोदी जी कह रहे कि एक अकेला सब पर भारी है। कौन एक अकेला सब पर भारी है तो पीछे जो 300 बैठे थे वे सारे गधे बैठे थे क्या संसद में। पहलवान जो तब बैठे हुए आप क्या कुछ निर्णय निकलेगा मोदी जी कुछ करेंगे। हाँ दो एक दिन शोक मना ले दो यार अभी हारे हैं उसके बाद सोचेंगे। हमारे कोई मरा थोड़ा ही है जो मातम मनाओगे। जिसके मरा हो वो मातम मना ले। जनता सर्वोपरि होती है वो जिसे चाहती है बाहुबली बना देती है और जिसे चाहती है डरपोक बना देती है। अब बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है सारे भट्टे के मुंशी है विधायक ही लड़े हैं। ताऊ जिस दिन चुनाव लड़ेगा उस दिन मोदी को पटकनी देगा। किसकी जीत मान रहे हैं? जनता की जीत है। जनता ने वोट दिया और जनता ने देख लिया कि नफरतियों के लिए हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं है और उन्होंने नफरतियों को हरा करके और झोला पैक करके वापस भेज दिया। हार किसकी है? है हार किसकी है? मोदी की। नड्डा जी की तस्वीर चल रही है। नड्डा क्या है ऐसे अड्डा नड्डा जाने कितने आए और कितने गए। मोदी की जीत है। मोदी की हार है और जनता की जीत। टीवी पे तो चल रहा है कि जेपी नड्डा की तस्वीर लगी हुई है और बाहुबली के पीछे देखिए पीछे आप देखिए। देखिए वो जनता है वो जनता है हाँ। वो जनता अपने जिसे भी नेता मानती होगी उसे बनाएगी तो जनता को जनता सर्वोपरि होती है वो जिसे चाहती है बाहुबली बना देती है और जिसे चाहती है डरपोक बना देती है। राहुल गांधी बाहुबली हो गए? नहीं नहीं मैं क्या जनता का अपना सोच है ऐसा है तुम उस एजेंडे में ताऊ को नहीं फंसा सकते जिसमें बीजेपी फंसाती है। पीछे राहुल गांधी की तस्वीर है बाहुबली में। वो जनता लाई है अब उसको अपमान करो जनता का नहीं करना चाहिए। ताऊ कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में भाजपा अभी भी है मुकाबला है उसका किस कोई कोई नहीं यार। हिंदी बेल्ट में दो प्रदेश है जिसमें बीजेपी है बाकी किसी प्रदेश में दिखा दे मुझे कहाँ है। निकाय चुनाव में देखा आपने परफॉर्मेंस बाबा का जलवा चल रहा है बाबा का जलवा यूपी में चलने दो चलने दो बाबा का भी जाने वाला है। जब बाबा भी जाएगा तो जिस दिन बाबा का नंबर आएगा बाबा भी मठ में जाएगा। कोई चिंता नहीं जनता है जनता सर्वोपरि होती है। तो क्या लगता है ताऊ 24 की तैयारी शुरू हो गई है? ये टेलर था पिक्चर 24 में शुरू दिखा देंगे। 400 सीटें कह रहे हैं भाजपा वाले 2024 में 400 सीटें आ रही हैं। कौन भाजपा वाले कह रहे हैं 2024? अरे जाकर पूछो उन भाजपा वालों से वे बंगाल में भी कह रहे थे 200 पार वे हिमाचल में भी कह रहे थे वो दिल्ली में भी कह रहे थे वो राजस्थान में भी कह रहे थे मध्य प्रदेश में भी कह रहे थे झारखंड में भी कह रहे थे छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ कितनों का नाम लिया बस वहीं अटके रहो। कुएं का मेंढक कुएं में टर टर करता है कुएं से बाहर निकल। गुजरात उत्तर प्रदेश मैंने दो जगह कहा कि उत्तर प्रदेश और गुजरात इसको छोड़ के और कहा है महाराष्ट्र उधार के सिंदूर पे चल रहा पता ना कब गिर गया दूसरे का। तो सरकार अरे उधार का किसके किसकी बीजेपी की कौन कह रहा बीजेपी की बता स्टूल मंत्री है बीजेपी वाला तो हाँ वहाँ तो वो है जिसकी कोई आरटी ना पार्टी कह रहे चुनाव प्रचंड बहुमत से जिताती है वो जनता। हाँ तो जनता जिताती है भैया कन्फर्म है जनता प्रचंड बहुमत से हराती भी है ध्यान रखा वो कर्नाटक कर नाटक संधि विच्छेद कर दी। वहाँ की जनता ने बता दिया कि यो दिल्ली से आया तू कितना ही नाटक कर ले हम नाटक देखेंगे और नाटक वाले का झोला पैक करेंगे और सीधा गुजरात और सीधा दिल्ली भेज देंगे। लेकिन मोदी जी का तस्वीर टीवी से गायब कैसे हो गया यार? वो जब चाटुकार मीडिया उनके बाबा ने सवेरी उन्हें एक मैसेज कर दिया व्हाट्सएप कि हटाओ नड्डा लगाओ मोदी बचाओ नड्डा लगाओ लगा दिया। बलि का बकरा अड्डा नड्डा को बताओ बचाओ बताओ बनाओ। अच्छा ताऊ जिस तरीके से बजरंग बलि का मुद्दा चल रहा था तो क्या लगता है कि बीजेपी का बजरंग बलि ने साथ छोड़ दिया है क्या? देखिए कोई भी भगवान हो जिसे लोग भगवान मानते हैं आप मुझे दिखाओ किसी के भी धर्म में भगवान आते हैं
कोई जो जो जिस धर्म को पूजते हैं सब उसे अपने लिए कहते हैं, कोई भगवान कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई जीजस कहता, कोई वाहेगुरु कहता, जिसके जो भी पूजने हैं कभी उन्होंने अधर्मियों का साथ दिया है तो अधर्मियों का कोई भगवान साथ नहीं देता। ये लोग अधर्मी हैं, है? ये लोग अधर्मी हैं। अरे 40% का टैग जिसके माथे पर लग रहा हो रिश्वत मांगने का, वो अधर्मी तो है। मैंने कहा का, मैंने ये कहा है कि अधर्मी को भगवान कभी पसंद नहीं करते। एक स्टेट जीतते ही दिमाग क्यों, कौन सा किसका, जनता का आसमान में ही दिमाग रहता है, ये ध्यान रखना। मोदी मैजिक क्या हुआ था? मोदी मैजिक, अरे फेल हो गया। ड्रामा एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, बार बार एक ही ड्रामा नहीं देखता कोई भी, बदल जाता। 14 में भी चला, 19 में भी चला, कह रहे 24 में भी चलेगा, 29 में चलेगा, 47 तक चलेगा, 47 तक चलेगा। कौन कह रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं। वो कौन सा बीजेपी वाला? मोदी जी कह रहे कि एक अकेला सब पर भारी है। कौन? एक अकेला सब पर भारी है। तो पीछे जो 300 बैठे थे वे सारे गधे बैठे थे क्या संसद में? 300 सांसद जो बैठे थे वो गधे थे क्या? अब 400 बैठेंगे। मैं यही तो कहता हूँ कि गुलाम है बीजेपी में जितने लोग हैं सारे गुलाम है, बोल क्यों नहीं पाए? है गुलाम तो इधर थे जो, तो जानवरों को तो हम तो पिंजड़े में बंद रखते हैं, चिंता क्यों कर रहा? हाँ, और हम जानते हो हम कौन है? कौन है? हम शेर को भी कुत्ता समझ के दंगियाले, समझ रही आगे? हाँ, मोदी मुक्त भारत हो रहा है क्या? है? मोदी मुक्त भारत हो रहा है क्या? हाँ होगा, अहंकारी को जनता हराएगी। ताऊ एक चीज बताइए, कब तक होगा? बस 24 में कर ले काम को, चिंता मत कर। ताऊ एक चीज बताइए, अमित शाह कह रहे थे मैं दूरबीन लेकर के देख रहा हूँ, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। पता नहीं दूरबीन का शीशा खराब हो गया होगा। हाँ वो शीशा लगवा दो भाई उसमें। कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस बची हुई है, क्यों कहाँ चली गई? अभी तो शायद मेरे हिसाब से कई प्रदेश में दिखा है। है भाई क्या है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ताऊ कांग्रेस आंदोलन में थे, पहलवानों के आंदोलन में, अब ये कांग्रेस की जीत का जश्न मनाने आ गए हैं। ताऊ जनता की जीत का जश्न हर इंसान को मनाना चाहिए। तो कांग्रेस की जीत जनता की जीत हो गई? कौन कह रहा? अभी तो कह रहे हैं जनता जीतती है, पार्टी कोई नहीं जीतती। जंतर मंतर जनता जिताती है, नेता किसी भी पार्टी का हो वो मेहनत करता है। केरला जंतर में क्या लग रहा है? स्टोरी देखने जाएंगे? केरला स्टोरी क्यों? प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में। अगर प्रधानमंत्री गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा कहने लगे या गधे को घोड़ा कहने लगे तो वो तुम जान सकते हो क्या? अपनी बुद्धि रखते हो? पहलवान जो तब बैठे हुए, अब क्या कुछ निर्णय निकलेगा? मोदी जी कुछ करेंगे? हाँ, दो एक दिन शोक मना ले दो यार, अभी हारे हैं, उसके बाद सोचेंगे। तो तब वहाँ जो आरोप लग रहा था ना ये कांग्रेस करवा रहे धरना, तो आप तो कहेंगे कि ये देखो कैसे कांग्रेस की जीत का जश्न मनाने चले गए? क्यों मनावे ना, हमारे कोई मरा थोड़ा ही है जो मातम मनाओगे, जिसके मरा हो वो मातम मना ले। संबित पात्रा गायब हो गए हैं टीवी से, मिला नहीं वो, मैं भी ढूंढ रहा था। भट्टे का मुंशी कहाँ है? क्या कौन? भट्टे का मुंशी, भट्टे का मुंशी, भट्टे का मुंशी कहते हैं उसे। अब बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है सारे भट्टे के मुंशी है। अच्छा, तो भट्टे का मुंशी क्यों कहते हैं उन्हें? भट्टे के मुंशी इसलिए कहते हैं कि भट्टे का मालिक सुबह एक पर्चा बढ़ा के दे जा कि आज उसके इतनी ईंट जानी है और उसके इतनी ईंट जानी है, यही काम है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। ऐसे ही है बीजेपी के प्रवक्ता, इन्हें सुबह एक कागज दे दिया जा कि इस मुद्दे पे बोलना, तुम कहना कि कांग्रेस जीत गई, नुका वो तो केरला में ऐसा हुआ था, तुम कहना कि वहाँ से वो कौन से प्रदेश में आग लग रही थी, मणिपुर में, कि वो जल रहा है, तो वो कहेंगे ना पाकिस्तान में हालत खराब है। तो जो देश की बात ना करके, देश के मुद्दों पे बात ना करके दूर दूर भागेगा वो देश का गद्दार व्यक्ति होगा। ऐसे पत्रकार और ऐसे भट्टे के मुंशी जनता दौड़ा लेती है, और मैंने ये भट्टे के मुंशी स्टूडियो में चांटे खाते भी देखे हैं। संबित पात्रा तेज तर्रार प्रवक्ता हैं बीजेपी के, है? तेज तर्रार प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जो चाहे वही चांटे लगा दे, वही जगरिया ले, है ना? चलिए ठीक है। आप विधायक की लड़ने वाले हैं? अरे हाँ, विधायक की लड़ है। ताऊ जिस दिन चुनाव लड़ेगा उस दिन मोदी को पटकनी देगा। मोदी सीधा सीधा दो दो हाथ, सीधा दो दो हाथ।